कार मित्रों टुडे इन माय लाइफ ब्लॉग टू में आज मैं टुडे इन लाइफ में आज सबसे पहले मैं बताऊंगा सुबह उठने के बाद दिनचर्या के अंतर्गत मैंने दूध वाले से दूध लिया, दूध उबाला, नित्य कर्म करने के उपरांत जब मैंने बिस्किट खाई, बिस्किट खाने के बाद फिर मैंने सोचा क्या हैवी नाश्ता लूँ। हैवी नाश्ता लेने के बारे में मैंने सोचना बंद कर दिया और असाइनमेंट का काम जो ऑफिस का वर्क है मेरा वर्क फ्रॉम होम सेकंड ईयर प्राइवेट डिप्लोमेंट थी मैं तो एक्सपर्ट सर्टिफिकेटेड एक्सपर्ट के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। वहाँ पर मैंने वो कंप्यूटर खोला, उसे कनेक्ट किया मोबाइल हॉटस्पॉट से और इस तरह से काम करना शुरू किया। काम करने के उपरांत दोपहर होने को आया, दोपहर के उपरांत मेरे पास मेरे बैंक से एक फ़ोन कॉल आया। इस फ़ोन कॉल में मुझे क्रेडिट कार्ड लेने की सलाह दी गई। मैंने इस बारे में सोचने के उपरांत नहीं करना इसे उचित समझा। मैं इस बारे में जानता हूँ कि हमारा मेरा जो ATM कम डेबिट कार्ड है वो ज़्यादा अच्छा है नस्बत क्रेडिट कार्ड के। अब देखिए क्रेडिट कार्ड हम रखेंगे, एक रुपया भी अगर हम क्रेडिट कार्ड का दूसरे के यहाँ हम उधार अपना वो उसका रखते हैं अपने पास तो वह क्रेडिट कार्ड का दुरुपयोग ही है। हम इस तरह से दुरुपयोग होना नहीं देना चाहते हैं और इस बारे में मेरी तो यही राय है। अपने बारे में आप बताइएगा इस बारे में आपकी क्या राय है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड कम ATM कार्ड। तो मैं इस बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में आपको क्या अच्छा लगता है। जैसे क्रेडिट कार्ड के लिए लोन वगैरह लेने के लिए क्रेडिट कार्ड, ATM का डेबिट कार्ड में आप सीमित जो आपका वो जो जितना आपके अकाउंट में बैंक अकाउंट में पैसे हैं आपके बैंक अकाउंट में जितना पैसा है उतना ही आप सीमित निकाल सकते हैं उससे, और उसके अलावा आप ATM कम डेबिट कार्ड से आप ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं। ये तो आप जानते ही हैं। इसलिए और क्रेडिट कार्ड में उधार आप का चलता रहता है और वो क्रेडिट कार्ड के खाते में जाता है आपके। इसीलिए आप जरूर इस बारे में बताएंगे आपका विचार इस बारे में क्या है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को लेकर। आज का मैं टुडे इन माय लाइफ को ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।